नमस्कार, मैं राकेश गुप्ता आप सभी का श्रीअयोध्या धाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रामनगरी अयोध्या का जिक्र आते ही आपके दिल दिमाग में भगवान राम की जन्मस्थली की तस्वीर जरूर आएगी, जहाँ पर प्रभु श्री राम अपनी बाल लीलाएं करते थे। भगवान श्री राम की स्मृतियों में समेटे राम की नगरी अयोध्या में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल है, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। यह वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, अर्थात भगवान श्री राम गुप्त हुए थे। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहां का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का नव निर्माण कराया गया था। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ कीट पतंग तक उनके दिव्य धाम चले गए थे, जिसके चलते अयोध्या उजड़ सी गई थी। बाद में उनके पुत्र कुश इस नगरी को फिर से बसाया। प्राचीन इतिहास के मुताबिक महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी को बसाया था। अयोध्या में गुप्तार घाट के अलावा रिमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्या घाट, धरोहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट काफ़ी मशहूर है। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। गुप्तार घाट के पास ही मिलिट्री मंदिर, कंपनी गार्डन, राजकीय उद्यान और अन्य प्राचीन मंदिरों को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नौका विहार और लंबे रेतीले मैदानों में इर्द गिर्द हरियाली व शांत प्रभाव का वातावरण और सूर्यास्त की निराली छटा लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। गुप्तार घाट वह स्थान है जहां पर पाए जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां सरयू नदी की ओर ले जाती है। हिंदुओं में इस घाट को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि भगवान श्री राम ने पृथ्वी छोड़ने के लिए यहीं पर जल समाधि ली थी और भगवान विष्णु के पवित्र घर वैकुंठ धाम में प्रवेश किया था। पौराणिक महत्व के अलावा सरयू नदी के तट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ सुंदर दृश्य अचंभित कर देने वाला होता है। भक्तों के बीच यह मान्यता है कि इस घाट पर सरयू नदी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें शारीरिक चिंताओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह घाट प्रभु श्री राम के नाम के मंत्रों से सदैव गूंजता रहता है और यह भक्तजन और पुजारी उनकी प्रशंसा में भजन गाते हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में अयोध्या स्थित है। रेल यातायात के अलावा यहां 24 घंटे के लिए रोडवेज बस सेवा भी उपलब्ध है। लखनऊ से आलमबाग और केसरबाग बस अड्डे से उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हर 10 मिनट में और रेल सेवा हर घंटे उपलब्ध है। यहां के प्रमुख रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन और